हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के सामने आज मैं प्रस्तुत में शुरू आप लोग को वीडियो कर रहा हूं दो मोटिवेशन लाइन से। आप लोग को मोटिवेशन लाइन कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे तो मैं आप लोग को अभी मोटिवेट करने के लायक नहीं हुआ हूं, फिर भी मैं कोशिश अपनी कर रहा हूं। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो मैं आप लोग को टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के आज जो है टोटल मैंने 8 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। कितने टोटल? 8 चैप्टर जीव विज्ञान के मैंने सेलेक्ट किए हैं और बायोलॉजी के टोटल 8 चैप्टर से मैंने टोटल 1000 एमसीक्यू टॉप इम्पोर्टेंट परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितने सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो सारा मैंने इसमें कवर किया है, जो आप लोगों को एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और ये एमसीक्यू कर लेने से आपके लगभग तक एग्जाम्स में बायोलॉजी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। बायोलॉजी के यदि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोग को ये सारे एमसीक्यू कवर करने से ज़रूर बन जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल आप लोग क्वेश्चन देखते के साथ ही पता लीजिएगा कितना अच्छा क्वेश्चंस का लेवल है। मैंने सब चीज़ को कवर किया है, जितना जो होता है शुरू से लेकर अंत तक। आज जो है अभी मैं आप लोग को पार्ट 1 है इसका, यानी चैप्टर फर्स्ट का जो है मैं आप लोग को 8 चैप्टर मैंने कवर किया है। चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ये चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट में मैं टोटल 1000 एमसीक्यू आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 1000 एमसीक्यू आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मेरे प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज और जनरल साइंस सीरीज चल रही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वो, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा वो मुझे बताइएगा, चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। चलिए हम लोग आते हैं इसके वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, टोटल 1000 क्वेश्चंस है और 8 चैप्टर हैं। टोटल 8 चैप्टर, वो भी टॉप लेवल के चैप्टर और टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोग को इसमें कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो होंगे वो चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज सारा चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है मेरी तरफ से। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी मेहनत मुझे और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिलेगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप लोग को जीरो से यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, यानी शुरू से लेके आप लोग को लास्ट तक के साथ जितने सारे क्वेश्चन हो मैंने सब जो है कवर किए हैं, जो भी जितने सारे मुझे इम्पोर्टेंट लगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मोल, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने जो है हम लोगों का जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। दूसरे क्वेश्चन पाते हैं, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अब कौन जाने जाते हैं? पहले ऑप्शन में है अरस्तु, दूसरे ऑप्शन में डर्विन, तीसरे ऑप्शन में लेमार्क, चौथे ऑप्शन में है पुरकिंजो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जो कि हो जाता है अरस्तु। तो अरस्तु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। पहला है डर्विन, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है अरस्तु, चौथा है थियोफ्रेस्टस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, अरस्तु, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? यहाँ पे जंक लिखा, जनक होगा, जनक कौन है? पहला है थियोफ्रास्टस, दूसरा है लाइनस, तीसरा है ट्रेविरनेस और चौथा है प्लाइनी द एल्डर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन में है हम लोग का थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, हिपोक्रेटस को और गेलन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में है हिपोक्रेटस, जो हिपोक्रेटस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? पहला है फ्रेंच, दूसरा है लेटिन, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो कि ग्रीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपना जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, तो अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है थोड़ा शेयर कर दीजिए, और मुझसे इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, थोड़े अच्छे खासे व्यूज आएंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग को थोड़ा सपोर्ट दिखेगा, तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ करने वाला हूँ इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को आगे चल के मिलने वाली है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की आप लोग को पूरी की पूरी तैयारी मैं इस चैनल पर आप लोग को एक अच्छे माध्यम से कराने जाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि खास अपडेट मेरे द्वारा दी जाती है जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में अभी जो होगा कि उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म की बायोलॉजी, प्लेटफॉर्म की फिजिक्स, प्लेटफॉर्म की केमिस्ट्री और प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज मैं करा रहा हूँ, जिसमें मैंने प्लेटफॉर्म के एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरबीएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी मेरे चैनल पर चल रही है, डेली वीडियो अपलोड हो रही है और डेली लोग वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। चलिए हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है अरस्तु, दूसरा है थियोफ्रेस्टस, तीसरा है हिप्पोक्रेटस और चौथा है डर्विन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को थियोफ्रेस्टस, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहले ऑप्शन में है अरस्तु, दूसरे ऑप्शन में है डर्विन, तीसरे ऑप्शन में है लेमार्क और चौथे ऑप्शन में है थियोफ्रेस्टस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरस्तु, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। हिस्टोरिया एनिमलम के जो लेखक थे वो अरस्तु थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिखाई जाती है? अरस्तु पहले नंबर ऑप्शन में है, दूसरे नंबर ऑप्शन में थियोफ्रेस्टस, तीसरे ऑप्शन में डर्विन, चौथे ऑप्शन में हिप्पोक्रेटस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हिप्पोक्रेटस, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जीव विज्ञान, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है शैवाल का, दूसरा है कवक या फंगी का, तीसरा है परिस्थिति यानी इकोलॉजी का और चौथा है विषाणु या वायरस का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शैवाल का। फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पहला है कार्यिकी, दूसरा है आनुवांशिकी, तीसरा है पारिस्थितिकी, चौथा है वार्गिकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर या एग्रोनॉमी या बोटनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, फ्लोरिकल्चर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का समृद्ध है संबंध जो है डेंड्रोलॉजी का है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या बी और सी दोनों, यानी बी और सी का मतलब हो गया वृक्षों के अध्ययन से या झाड़ियों के अध्ययन दोनों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, वृक्षों के अध्ययन से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें मैंने बता दिया वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रे स्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, एंथोलॉजी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो पहला है अस्थियों का, दूसरा है जीवाश्मों का, तीसरा है प्राइमेट्स का, चौथा है पक्षियों का। तो जीवाश्म वनस्पतियों में जो दोस्तों अध्ययन किया जाता है तो वो हो जाता है जीवाश्मों का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, दूसरे नंबर में है एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर में है ओलेडी कल्चर और चौथे नंबर में है हार्टिकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी या अनुवांशिकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वार्गिकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइकोलॉजी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वन के विकास का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बीज का, पत्ती का, फल का, परागण का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज का, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी में जो है हम लोग बीज का अध्ययन करते हैं। दूसरा है एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का और फलों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सी नंबर ऑप्शन, जो कि हम लोग के घासों का है, घासों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग को बताता हूँ, भूमि का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवांशिकी, उद्विकास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आनुवांशिकी, अनुवांशिकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को वर्गीकी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, पोमोलॉजी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परागकणों यानी पॉलिन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है पहले नंबर ऑप्शन में है पोमोलॉजी, दूसरे नंबर ऑप्शन में है पैलिनोलॉजी, तीसरे ऑप्शन में है फाइकोलॉजी और चौथे ऑप्शन में है माइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, पैलिनोलॉजी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो पैलिनोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है पहला है फाइटोजियोग्राफी, दूसरा है वानिकी, तीसरा है एक्सोबायोलॉजी, चौथा है एथनोबॉटनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, फाइटोजियोग्राफी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है आलेडी कल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसी कल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, आलेडी कल्चर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तीस नंबर का क्वेश्चन है वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है पहले ऑप्शन में है डेंड्रोलॉजी, दूसरे ऑप्शन में है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तीसरे ऑप्शन में है एग्रोनॉमी और चौथे ऑप्शन में है हार्टिकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है पहले ऑप्शन में है एग्रोनॉमी, दूसरे ऑप्शन में ओलेडी कल्चर, तीसरे ऑप्शन में है आर्बोरी कल्चर, चौथे ऑप्शन में है सिल्वी कल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को आर्बोरी कल्चर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकृतिकी, वर्गीकी, शारीरिकी, भौतिकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, शारीरिकी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है फूफन, दूसरा है शब्दार्थ, तीसरा है कीटों से, चौथा है पादपों से पादप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कीटों से। पादप विज्ञान की जो शाखा होती है कवक शास्त्र में, एक सेकेंड, कितना नंबर क्वेश्चन है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अच्छा, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में तो फूफंद का अध्ययन किया जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री है, पहला है वनों के लिए वृक्ष लगाना, दूसरा है फसल काटने के लिए वन लगाना, और तीसरा है कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, और चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? पहला है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का, दूसरा है पादप जीवन का विज्ञान, तीसरा है बागवानी कला, और चौथा है फसल उगाने की कला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वा कल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को टिश्यू कल्चर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती को पोमोलॉजी। फूलों की खेती को तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं तो ये सुमेलित है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं तो ये भी सुमेलित है, पर सब्जियों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, फलों की खेती को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, तो ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु में, प्रकिंजो ने, वॉन मॉल ने, लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ये रिपीट हो चुका है कि लेमार्क तथा ट्रेविनस ने, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और पुरकिंजे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को अरस्तु, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में रिपीटेड है एक दो क्वेश्चन। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को अरस्तु, रिपीटेड है। चलिए अब रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोग को नहीं मिलेंगे, तीन क्वेश्चन रिपीटेड थे। जीव विज्ञान दूसरा पार्ट है और पार्ट टू है, ये चैप्टर टू है, स्वास्थ्य एवं पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्वास्थ्य एवं पोषण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आप लोग को लगभग मैं इसमें से 160 या 180 क्वेश्चंस के आसपास मैं इसे ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन का लेवल देखकर ही आप लोग को पता लग रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, भोजन का जो क्या कहता है अनिवार्य अवयव है वो है आप लोग को कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में जो पदार्थ ईंधन का काम करता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट या जल, तो मैंने इसका आंसर जल्दी बता दिया, तो आप लोग को कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है, पहला है प्रोटीन का, दूसरा है अंडे के छिलके का, तीसरा है सेल्यूलोज का और चौथा है स्टार्च का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, स्टार्च का। प्रोटीन का जो कैप्सूल का जो अनावरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रैक्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा
कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, लैक्टोज, सेल्यूलोज या माल्टोज या ग्लूकोज? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ग्लूकोज, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शहद के मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। शहद में जो मुख्यतः होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा या विटामिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है सुगर से, स्टार्च से, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजोन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूं, ग्लाइकोजोन से, जो कि हम लोग के डी नंबर, ग्लाइकोजेन से, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? पहला है वसा, दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शरीर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपचय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज का अपचय। ग्लूकोज का जो अपचय होता है वो राइट आंसर है हम लोग के, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एचजी में या एमएम में, एमजी में या प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त ग्लूकोज का जो स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है वो आप लोग को दिख गया होगा कि मैं किस में बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमजी के प्रति डेसीलीटर में, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होते हैं, 10, 15, 20 या 25? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, किस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को 20, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को प्रोटीन से, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्धक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन में निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो प्रोटीन को जो हम लोग शरीर का निर्माण करने वाला मानते हैं, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का, मैं आप लोग को बताता हूँ, सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को बी नंबर ऑप्शन, जो त्वचा में उपस्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है 42%, 50%, 60% और 80%? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, पहला है मांस, दूसरा है दूध, तीसरा है चावल और चौथा है दाल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को
देखते के साथ दिमाग में आ गया होगा। तो सी नंबर ऑप्शन, चावल में अधिकांश मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। सोयाबीन में जो है सबसे उन्नत किस्म का प्रोटीन पाया जाता है और सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, सबसे अधिक स्रोत में। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, दालों से, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है काला चना, बंगाल चना और मटर या सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, डी नंबर ऑप्शन, जो कि सोयाबीन होता है। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत जो है सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा उत्तक में, यकृत में, एपिथेलियम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, वसा उत्तक में, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर दर्बों का क्षय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, शरीर की ऊष्मा का क्षय, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा हुआ कर पाता है? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपनी कुवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, अपनी कुवर में जमा किए चिकनाइयों का प्रयोग करके, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? पहले नंबर ऑप्शन में प्रोटीन, दूसरे नंबर में ऑप्शन में है वसा, तीसरे में है कार्बोहाइड्रेट और चौथे में है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को वसा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेंडल, पाश्चर, फंक और लेनक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि हम लोग का फंक है। तो फंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन से, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है वसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ए नंबर ऑप्शन, जो कि है गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फस में, वृक्क में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को यकृत में। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पहला है रिकेट्स, दूसरा है बेरी वेरी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है प्लाग्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, जो कि है रतौंधी। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायमिन है विटामिन सी, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी वन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को विटामिन बी वन, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, विटामिन बी ट्वेल्व। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो
शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, विटामिन ए, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइनोकोबलामीन जो होता है, साइनोकोबलामीन हम लोग बोलते हैं, साइनोकोबलामीन भी होता है, साइनोकोबलामीन हम लोग मुंह से निकल जाता है, साइनोकोबलामीन जो है विटामिन सी, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को, विटामिन बी ट्वेल्व, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। साइनोकोबलामीन होता है विटामिन बी ट्वेल्व की सुई होती है। तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन सी, जो कि हम लोग के सी ही नंबर ऑप्शन में है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो है आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मशरूम से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, विटामिन सी। तो विटामिन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, एस्कर्बिक अम्ल, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किस कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग को बताता हूँ, विटामिन डी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के या ई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि विटामिन ए जो है वह जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन सी है। प्रातःकाल धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी की या विटामिन डी की या विटामिन ई की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को विटामिन डी की, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोले के लिप्सफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बी नंबर ऑप्शन, जो इसमें है विटामिन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरीडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, डी नंबर ऑप्शन, टोकोफेरॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, उपकला उत्तकों के सामान्य स्वस्थ के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, जिसमें लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से, विटामिन डी से, विटामिन ई से, विटामिन सी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के से, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, विटामिन के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को गेहूं अंकुर का तेल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है।
तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैल्शियम, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, फ्लोरीन का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटासियम या लोहा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को पोटासियम, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, लोहा का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ब्रोमीन का, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, शैवाल, सेम, मूली या गेहूं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को शैवाल। शैवाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। आयोडीन का जो मुख्यतम स्रोत होता है वो शैवाल होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जिंक, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नाम में किस निमित्त होती है, मांसपेशियों के कार्य करने से, खून जमने से, हड्डियों के विकास से, उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग के डी नंबर ऑप्शन, जो कि हम लोग का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, आयरन की। मनुष्य लोहा किसमें प्राप्त करता है, पहला है ऑप्शन पनीर से, दूसरा है पालक से, तीसरा है मछली से और चौथा है दूध से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पालक से, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतक तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, उपयुक्त सभी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी है, शरीर के ऊतक को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी लोह का आवश्यक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, पहला है सेब, दूसरा है चावल, तीसरा है नारंगी और चौथा है गेहूं? मैंने अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसके आगे की आप लोग को फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, पूरा जनरल साइंस की सीरीज इसकी बना सकूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, पहला है सेब, दूसरा है चावल, तीसरा है नारंगी और चौथा है गेहूं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, सेब, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, पहला ऑप्शन नारंगी, दूसरा है अंडा, तीसरा है हरी सब्जी और चौथा है दूध? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में जो होता है भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, पहला है थायमिन, बेरीबेरी और दूसरा है एस्कर्बिक अम्ल यानी एस्कर्बिक और तीसरा है विटामिन ए यानी वर्णार्ध और चौथा है विटामिन के यानी रक्त का जमना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, विटामिन ए वर्णार्ध, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है या नहीं, विटामिन ए डेक्रेट्स, विटामिन बी वन बेरीबेरी, विटामिन सी एस्कर्बी? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, केवल दो और तीन के सी नंबर ऑप्शन में है, एक और तीन और डी नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है आप लोग को एक दो और तीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, दो और तीन, विटामिन बी वन से बेरीबेरी और विटामिन सी से एस्कर्बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित की कमी से एनेमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम और लोहा, जस्ता। तो एनेमिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की या कैल्शियम की या लोहा की या जस्ता की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आयोडीन की जो कमी होती है वो होती है आप लोग को एनेमिया रोग जो होता है आप लोग को कैल्शियम की कमी से होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक गिलास पानी पीने में से कितना कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को 0। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में और मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि है मैसूर में। तो मैसूर में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय या आंत या मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग के सी नंबर ऑप्शन, जो कि हम लोग का आंत है। चलिए, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, अमीवा यानी फैग्रोट्रैफिक या ट्रिपोनोसोमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो हो जाएगा एंट अमीबा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को नेत्र गोलक के छोटा होने से, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फूफंद या शैवाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हैजा का जो कारण है वो है आप लोग को जीवाणु, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर की, टीवी की, पीलिया की या एड्स की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एड्स की, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में या मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है CDRI वो लखनऊ में स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? NH51, NH15, N1H5, N5H1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा H5N1, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लूओराइड, आयोडाइड या क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, फ्लूओराइड, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खसरा रोग का कारण क्या है? पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है कृमि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विषाणु, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा है साइकोथेरेपी, तीसरा है कीमोथेरेपी और चौथा है फिजियोथेरेपी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को, मैं बताता हूँ, कीमोथेरेपी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जो होता है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पेनक्रियाज, किडनी या हृदय।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। पेनक्रियाज की जो खराबी होती है उसी से हम लोग को मधुमेह रोग होता है। म्यादी ज्वर किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फुफंद, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जीवाणु के कारण, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो वायरस जो है आपको, म्यादी ज्वर जो है वो जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है सियोडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोस स्पीसीज द्वारा, वेसिलस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूँ, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? क्यूलेक्स फटिगन, एनफ्लीज क्लासीफेसिज, एडीज एजेप्टी या मोनोसिया यूनिफॉर्मस फॉर्मिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडीज एजेप्टी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का वसा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में अंगों करके अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन बी वन की, विटामिन डी की या विटामिन ई की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, विटामिन ई की, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। बच्चों में आंगों का के अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो तो वो विटामिन डी की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम लोग का जो है सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूत्र के सर्वन के को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? पहला है एड्रेनलिन, दूसरा है मोनो यूरेटिक, तीसरा है डायूरेटिक, चौथा है ट्राई यूरेटिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायूरेटिक, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करने के लिए कह रहा है रतौंधी, स्कर्बी, डिक्रेट्स और रक्ताल्पा सूची में विटामिन सी, डी, ए और बी ट्वेल्व। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। रतौंधी जो होता है वो किससे कमी से होता है, तो इसको चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो इसको रतौंधी जो होता है वो होगा आप लोग को विटामिन ए, तो इसका ए हो गया। स्कर्बी जो हो गया वो विटामिन सी से होता है, तो उसका ये हो गया। तो और आप लोग को रिक्रेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये जो है इसका ये हो गया। और रक्ताल्पता जो होता है वो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होता है, तो इसका ये हो गया। तो यानी क्या, ए का टू हम लोग को बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीमारियों और उनके जांच की सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करने के लिए कह रहा है। पहला है विडाल टेस्ट, दूसरा है टिक टेस्ट, तीसरा है टॉर्निक टेस्ट और चौथा है आरएनए फ्रैक्चर और तीसरा है एलिसा टेस्ट। पहला है गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड, एड्स और स्कारलेट फीवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आप लोग को मिलान करके बता देता हूँ कि किसमें क्या मिलान होगा। तो पहले बता देता हूँ, विडाल टेस्ट जो होता है वो होता है आप लोग को विडाल टेस्ट होगा टाइफाइड में जो होता है विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ए का जो है तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो और उसके बाद है डिक टेस्ट जो है दोस्तों वो होता है आप लोग को बता देता हूँ, डिक टेस्ट होता है आप लोग को वो स्कारलेट फीवर में होता है। तो डिक टेस्ट जो होता है वो होता है आप लोग को स्कारलेट फीवर में, जो कि हम लोग के यहाँ पे फाइव होगा, फोर की जगह यहाँ फोर के बाद फाइव होगा, यहाँ पे सिक्स लिख दिया गया, यहाँ फाइव होगा। तो स्कारलेट फीवर जो होगा वो फाइव होगा। और तीसरा ऑप्शन में है टॉर्निक टेस्ट। टॉर्निक टेस्ट जो होता है दोस्तों वो किया जाता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टॉर्निक टेस्ट किया जाता है आप लोग को डेंगू बुखार के लिए। टॉर्निकेट जो टेस्ट होता है वो किया जाता है डेंगू बुखार के लिए, जो कि हम लोग का ये होगा। और आर ए फ्रैक्चर जो होता है, आर ए फ्रैक्चर वो किया जाता है हम लोग का गठिया के लिए। और हम लोग का एलिसा टेस्ट जो होता है वो किया जाता है एड्स के लिए। तो एक का विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। तो एक का थ्री है दोस्तों। और फिर
आप लोग को डेंगू बुखार, डेंगू नहीं डिक्टेस्ट, डिक्टेस्ट जो होता है वो क्या जाता है स्कारलेट फीवर यानी बी का 5 है, तो वो हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? पहला है फ्लू, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है हैजा और चौथा है एमीबियासिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, फ्लू। फ्लू जो होता है पानी के द्वारा नहीं होता है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। एक वायरस जो होता है वो होता है पोलियो का कारण, पोलियो वायरस जनित रोग है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत को, अस्थित को, संधि को, यकृत में या फेफड़ा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन यानी फेफड़ा में। फेफड़ा में जो होता है निमोनिया रोग जो है वो ग्रसित होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? पहला है मलेरिया, दूसरा है फलेरिया, तीसरा है आप लोग को मलेरिया, तीसरा है फलेरिया और दूसरा है फलेरिया, तीसरा है रिंग बॉर्म या दांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का फ्लेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है फ्लेरिया में से रोग का वाहक होता है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि हम लोग का विटामिन के है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसके असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त की कोशिकाओं की संख्या में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्वेत रक्त की कोशिकाओं की संख्या में, जो कि हम लोग का डी नंबर ऑप्शन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, प्रोटीन्स, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, ब्लिक या पिल्हा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो हो जाएगा आप लोग को, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को यकृत, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है डिप्थीरिया जो होता है वो संक्रामक रोग होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वर्णाधता, रतौंधी, रक्तहीनता या तपेदिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्तहीनता, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो रूबीओला वायरस, वेरीओला वायरस, वेरिसेला वायरस या मैक्सिको वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरीओला वायरस, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का जो दूध होता है रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, यहाँ पे गाय लिखा हुआ गाय होगा, जैंथोफिल या राइवो फ्लेविन या राइब्यूलोस या कैरोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन की कमी के कारण जो है गाय का दूध होता है वो थोड़ा पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? फ्लेग, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस या हैजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अन्न यानी क्रियल्स एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का, ग्लूकोज का यानी फ्रैक्टोज का या माल्टोज का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, स्टार्च का, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से वसा में कौन सा विलेय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन बी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24 या फॉस्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर
नंबर ऑप्शन जो कि कोबाल्ट 60 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सनशाइन विटामिन है विटामिन बी, सनशाइन विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सनशाइन जो पानी होता है यानी सूरज की रोशनी से प्राप्त करने वाला, तो वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन जो कि विटामिन डी है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईसीजी है, ईसीजी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोसीफेलोग्राफ, एंडोस्कर्पोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, फोलिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल या लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को फोलिक अम्ल, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधन द्वारा नहीं फैलता है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, एचआईवी या मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, टाइफाइड, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, पहला है क्रीट आघात, दूसरा है सोहन तंत्र विकार, तीसरा है एथिरो एस्केलोरिस, चौथा है देखिए कौन सा सही मेल है, पहला है क्रीट आघात का सोहन तंत्र विकार ए नंबर ऑप्शन में, दूसरा है मैं आप लोगों को दूसरा है एथिरो एस्केलोरिस धमनियों का अवरुद्ध होना, तीसरा है हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, तो चौथा है हाइपरटेंशन दिल का दौरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, हाइपरटेंशन जो होता है वो दिल का दौरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सही मेल है, बार बाकी तीनों जो है वो गलत है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है वसा और चौथा है दूध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रोटीन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज एईडीज द्वारा, एनोफिलीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एडीज द्वारा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जो कि विटामिन ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी सी, बीटा सिक्स जो है विटामिन की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो ये सब जो है विटामिन बी सिक्स विटामिन जो है ये सब की कमी से क्या रोग होता है, तो पहला है रिक्रेट, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है बेरी बेरी और चौथा है अरक्ता। तो अरक्ता जिसको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अराजकता, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत की बीमारी का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हरे जर्मों का, हड़ जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रत्यारक्षों का, सक्रिय जर्मों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि जीवित प्रतिरक्षियों का, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इम्पैक्टस, डायबिटीज सुग्रेनिंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को
डायबिटीज मेलिटस, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है ब्रिक और चौथा है यकृत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यकृत, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B12, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए, मिनामाटा रोग जो होता है का कारण क्या है? पारा, कैल्शियम, कैडमियम, सीसा या जस्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन या लाक्षणिक मंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन ए, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची एक और दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे देकर कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B1, रतौंधी, बेरी बेरी, रक्ताल्पता, अस्कर्बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को विटामिन सी जो है वो किसे विटामिन इस विटामिन सी जो है वो अस्कर्बी रोग होता है विटामिन सी से। और तो ए का जो हो गया वो हो गया आप लोग को 4 नंबर, तो ए का 4 हो गया आप लोग को। फिर आप लोग को मैं बताता हूँ फॉलिक अम्ल जो है वो होता है रक्ताल्पता से, तो जो कि हम लोग के तो बी का हो गया 3। और फिर हम लोग का विटामिन ए की कमी से हम लोग को होता है रतौंधी, तो सी का हो गया 1। और विटामिन B1 की कमी से हम लोग को बेरी बेरी रोग होता है। तो ए का जो 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुवांशिकती रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? पहला हीमोफीलिया, दूसरा है टी सेक्स व्याधि, तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस और चौथा है हाइपरटेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी सेक्स व्याधि, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जापानी एंसेफिलाइटिस का कारक होता है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी प्रोटोजोआ या फूफंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विषाणु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है? इनमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, प्रसारण, विद्युतक संचलन, सक्रिय गमन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसारण, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला थायमिन, बेरी बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, वन द्यापन, नियासीन, प्लेगरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विटामिन के, वन्य द्यापन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मस्तिष्क, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसीन दुग्ध होती है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को प्रोटीन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आयोडीन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है? पहला सैक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है कैरोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लैक्टोज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया, जापानी एनसेफेलाइटिस और फिलपों या पोलियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, जो कि है जापानी एनसेफेलाइटिस, जो कि हम लोग के बी नंबर आंसर में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? RSV विषाणु, डाबेर विषाणु, HIV विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि RSV विषाणु, जो कि हम लोग का RSV विषाणु जो होता है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के ई नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित
नहीं है। पहला है पायरी डॉक्सिन, दूसरा है रेवोफ्लेविन, तीसरा है रेटिनॉल और चौथा है थायराइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, रेटिनॉल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला कुछ कूट दिया गया और उसको हम लोग को मिलान करना है। तो पहला है सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। पहला है ओटाइटिस, और फिर यहाँ है एनसेफेलाइटिस, फिर है लेरिंजाइटिस, फिर है हेपेटाइटिस, गला कान यकृत मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, ओटाइटिस जो होता है, ओटाइटिस उसको हम लोग पढ़ते हैं ओटाइटिस। ओटाइटिस जो होता है वो कान के रोग से संबंधित होता है। एनसेफेलाइटिस जो होता है वो होता है आप लोग को, वो जो होता है आप लोग को मस्तिष्क के रोग से संबंधित होता है। और आप लोग को लॉरेंजियाइटिस जो होता है वो आप लोग को होता है, वो आप लोग को जो होता है वो होता है गला के। और हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत के संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। पहला है आर्टिथर, दूसरा है ग्लेस, तीसरा है ल्यूटिव, चौथा है सिनेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिथर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ए नंबर ऑप्शन, जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे देखिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ईईजी, दूसरा है ईसीजी, तीसरा है ईओजी और चौथा है ईएमजी। तो पहला है मांसपेशी, दूसरा है आँख, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है हृदय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस ईजी होता है वो होता है मस्तिष्क से संबंधित जो होता है, ईजी मस्तिष्क से संबंधित। और आप लोग को फिर ईसीजी जो होता है वो आप लोग को हृदय से संबंधित, और ईओजी जो होता है वो आप लोग को हो गया, ईओजी जो होता है वो आप लोग को हो गया, ईओजी जो हो गया वो आप लोग को हो गया आँख से संबंधित, ईएमजी जो हो गया वो मांसपेशी से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 3 बी का 4। तो ए का 3 बी का 4 किस में है, तो बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। पहला है एग्लूटिनिन, दूसरा है कैसिनिन, तीसरा है मायोसिन और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि वो होगा आप लोग को कैसीन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीलिया यानी जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, आमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो यकृत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वेत रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। एनोक्सिया, ल्यूकेमिया या एनीमिया या एसेप्टिसीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, हम लोग को तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कोलेस्ट्रॉल है, पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का प्रकार, जंतु वसा में उपस्थित वासीय अल्कोहल, क्रोमियम लवण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को जंतु वसा में उपस्थित वासीय अल्कोहल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आहार में जो है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, जल में,
भोजन भोजन क्ले कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, भोजन का स्वाद बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, भोजन के पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लघु मात्रा में पैदा करना, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं टोकोफेरोल, न्यूसिन या सियानोकोबलामीन या कैल्सीफेरोल या क्रोटीन या टोकोफेरोल या एस्कर्बिक एसिड या कैल्सीफेरोल, राइबोफ्लेविन या थायमिन, कैरोटीन या बायोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं डिस्कस करके आप लोग को बता देता हूँ। तो कैल्सीफेरोल होता है, कैरोटीन होता है और टोकोफेरोल होता है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, 45 ग्राम, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन B12 का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, विटामिन ए का, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से और विटामिन सी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। एनोसीमिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी बराबर कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, उष्मा संवेदना की कमी को। तो इस क्वेश्चन का एनोसीमिया जो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों आप लोगों को घ्राण संवेदना की कमी को, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर के ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो होगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए प्रचुर होता है सेब में, चावल में, गाजर में और नींबू में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को सी नंबर ऑप्शन, विटामिन जो ए होता है वो प्रचुर होता है गाजर में। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, आंध्र प्रदेश में, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है किसका कारण, जिसके कारण उनमें उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है, कैसीन की, लैक्टोस की, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की, लैक्टोस के साथ साथ ब्यूटिक एसिड की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन का सब बेहतर क्यों माना जाता है, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसे कांच के हाउस बायरूद परिवेश में उगाया जाता है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप बताता हूँ, यह जो होता है यह इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, क्रमशः बी नंबर ऑप्शन में है क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजेन, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है, पहला हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हृदय में रक्त आपूर्ति की जब कमी होती है तो दिल का दौरा आता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, अवटू अतिक्रिया ता, घेंगा, मिजेट या मधुमेह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा घेंगा।
घेगा रेग जो है आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आते हैं, मिनामाटा रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? लेड, टीन, मैथिल आइसोनाइड, पारद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पारद, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ काम करने वाली व्यक्तियों को ब्लैक लाल रंग हो जाता है? व्युत्लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कोयला खान। कोयला खान में जो काम करते हैं उन्हें ब्लैक लाल लंग रोग हो जाता है, ब्लैक लंग रोग जो होता है वो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है। चलिए हम लोग आते हैं 163 नंबर क्वेश्चन पर, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में, भारत में, यूएसए में और चीन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जापान में। इटाई इटाई रोग का जो पहला पता चला था वो जापान में पता चला था। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनामाटा रोग से, ब्लैक फुट रोग से, डिसलेक्सिया से और इटाई इटाई से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोग को इटाई इटाई, चूंकि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो कैडमियम जो प्रदूषण इटाई इटाई से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कालाजार का संचार किससे होता है? तो काली मक्खी से, या सिकटा मक्खी से, या सेंटेसी से, या आप लोग को चिंडची से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का सिकटा मक्खी से। कालाजार जो रोग होता है वो सिकटा मक्खी से होता है, जो हम तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने या लुई पाश्चर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों को एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, पीरकनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीरो बुजीन, AAJT, माइकोनाजोल, नोनाक्सिनोल 9 और बिराजोल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ए नंबर ऑप्शन, जीडोबुटीन AJT। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस सूक्ष्म के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? पहला है वायरस, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को वायरस। सूक्ष्म वायरस के द्वारा जो होता है हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? पहला है एम्फिसेमा, दूसरा है लकवा यानी पक्षाघात, तीसरा है प्रवाहिका, चौथा है पेचिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को एम्फिसेमा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से के कारण होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का कि नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एस्कर्बी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या बेर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का कि जो एस्कर्बी रोग होता है, एस्कर्बी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो डेंगू की, मलेरिया की या ऑस्टियोपोरोसिस की या एड्स की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ऑस्टियोपोरोसिस की। BMD परीक्षण जो है ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एड्स होता है जीवाणु से, फूफन से, कृमि से और विषाणु से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एड्स एक विषाणु जनित रोग है और विषाणु से होता है। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जोलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम बोजेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जोलेट। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो जो है कैल्शियम ऑक्जोलेट के बनती से वजह से बनती है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
मानव गुर्दे में पथरी जो है निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, तो वो जो है आप लोगों कैल्शियम ऑक्सीजेट के वजह से बनती है, मैं बता दिया हूँ। सरल ग्लाइकेंड घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, मसूरे, अश्रु ग्रंथि, यकृत में या थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, पहला है साइजोजोआइट, सेप्रोब्लास्ट, ट्रेफोजोआइट, सेफ्रोजोआइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, एस्फोरोजोआइट। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है, थबल रोग, ये धवल रोग, या एक्जिमा, या दाद, या हाथीपाँव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का दाद, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, वेरिला वायरस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, या विब्रिया कोलोरी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, डीएनए विषाणु द्वारा जो चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, छोटी माता जो होती है वो पैदा की जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, कैंसर, प्लेग, या एड्स, या मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेग। प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग को बता देता हूँ कि डेंगू बुखार के कारण जो होता है आदमी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई लाख प्लेटलेट्स एक बार डेंगू के बुखार हो जाने की वजह से गिर जाते हैं। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को हम लोग को मिलाना है। तो चलिए हम लोग कुछ मिला लेते हैं। प्लेग, प्लेग किसके द्वारा फैलता है, तो हम लोग चलिए एड्स जो है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। तो और गंजापन, गंजापन जो है वो आप लोग को हो जाएगा, गंजापन जो हो जाएगा वो कवक के द्वारा होता है। तो आप लोग को और मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और आप लोग को प्लेग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो ए का जो हो गया वो फोर, तो ए का फोर किस में है, तो डी नंबर ऑप्शन में। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, बॉन मैरो डेंसिटी, बॉन मिनरल डेंसिटी, बॉन मैरो डिफिशियंसी, बॉन मैरो डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बॉन मिनरल डेंसिटी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रचुरता मात्रा में खाद प्रोटीन की दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी है, मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो विटामिन बी जो होता है वो का अन्य नाम क्या है, विटामिन बी जो होता है विटामिन B12 या B2 का अन्य नाम क्या है, थायमिन, या हीमोग्लोबिन, या राइबोफ्लेविन, या डेक्ट्रोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 का नाम होता है। तो चलिए हम लोग सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है, 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी, या 6000 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को विटामिन बी। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, चेचक, मलेरिया की, हैजा की, या तपेदिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हैजा। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, पानी, चीनी, शहद, दूध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है, कोड, एड्स, हैजा, या हेपेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोड। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कैराटा मलेशिया होता है, BADC। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ए। तो ए जो होता है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों को किस रोग के प्रति जो है प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंत पेशीय रूप से दिया जाता है, मधुमेह, कैंसर, रेबीज, काली खांसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को काली खांसी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एडिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या एनोफिलिस मच्छर या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, एनोफिलिस मच्छर के द्वारा जो होता है मलेरिया रोग होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता करता है? हृदय या यकृत या पिल्हा या पित्ताशय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को यकृत को। पीलिया रोग जो है यकृत को जो प्रभावित करता है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधि रक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक अनुवांशिक विकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक अनुवांशिक विकार। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एच आई वी क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण, परिवर्धन सूचकांक, विषाणु रोग या प्रति विषाणु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को विषाणु रोग। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एच आई वी जो है एक विषाणु रोग है। तो कालाजार किसे संचरित होता है? सेटिस मक्खी से, घरेलू मक्खी से, एनफ्रिज मक्खी से, सिकता मक्खी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को डी नंबर ऑप्शन, सिकता मक्खी से जो है कालाजार रोग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1980, 81, 83 और 86। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1981। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सी पेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवल ओवेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो पहला है माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, दूसरा है डायबिटीज मेलिटस, तीसरा है हीमोफीलिया और चौथा है कैंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हीमोफीलिया, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रास, एडवर्ड जेनर या लुई पाश्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोनाल्ड रास। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तनिका शोध, मस्तिष्क घात या हार्टिंगटन रोग या अल्जाइमर रोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्जाइमर रोग। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात या 15 दिन के भीतर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को नवजात, नवजात में जो होता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेरेबीज क्या है? कृमि जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को विषाणु जनित रोग, क्योंकि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, उपयुक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेग जीवाणु से फैलता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो पोलियो, त्वचा का पर्दा या हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बताता हूँ, त्वचा का जो पर्दा होता है वो जो होता है आप लोग को कवक के कारण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित में को प्रभावित करती है? खून को, फेफड़े को, दिल को, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बताता हूँ, खून को। थैलासेमिया जो है एक वंशानुगत बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पहचान बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बाल क्षय, मारासमस, बाल वक्र, रैकेट्स, बेरी बेरी, बाल हारो, बाल चम्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, बाल क्षय ए नंबर, मारासमस ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेस मच्छर द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ तथा मादा एनिफ्रिज मच्छर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग को एक नया चैप्टर मिलेगा। जीव विज्ञान है पार्ट 3 है और तीसरा चैप्टर है यह, और तीसरे चैप्टर में आप लोग को जंतु वर्ग और वर्गीकरण के बारे में, उसके टॉप जितने भी सारे एमसीक्यू हैं आप लोग वो सब जो है इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है?
तो प्रोटोजोआ, पोरीफोरा या सिलेटेटरा या एनोलिडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया परजीवी था अमीबा को जो है वो जो है प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी आकृति ये निश्चित नहीं होती है? पहला है पैरामीशियम, दूसरा है युगलिना, तीसरा है ट्रिपेनोसोमा, चौथा है अमीबा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को अमीबा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चप्पल की आकृति का जंतु है अमीबा, पैरामीशियम या ट्रिपेनोसोमा या जियारेडिया। जियारेडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चप्पल की आकृति का जो जंतु है वो है पैरामीशियम। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग है, पहला ऑप्शन में है सीलिया, दूसरे ऑप्शन में फ्लेजिला, तीसरे ऑप्शन में कूटपाद और चौथे ऑप्शन में टेंटिकल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कूटपाद। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है, पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है डिसमेनिया और चौथा है युगलिना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा युगलिना, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा युगलिना, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में, गला में या आमाशय में या फेफड़ा में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग को ए नंबर ऑप्शन, आंत में। तो आंत में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम या ट्रिपेनोसोमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को एंट अमीबा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, लिशमेनिया या प्लाज्मोडियम या एंट अमीबा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास और लिशमेनिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिशमेनिया। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग पैदा करता है ट्राइकोमोनास, ट्रिपे नोसोमा, लिस्मेनिया या प्लाज्मोडियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आंत में रहने वाले एक कुसुकीय रोग की जनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई, ई होस्ट, ई हिस्टोली टीका, ई जिंजी वैलिस, ट्रिपेनोसोमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का ई कोलाई, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा के कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए, केवल आक्रमण के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? लुई पाश्चर, रोनाल्ड रॉन्स, डर्विन और मेंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रोनाल्ड रॉन्स, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है हाइलोनोमा, टेटिया, यूप्लेकेटला या फिरो नीमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग के सी नंबर ऑप्शन में, यूप्लेकेटेला। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीनस के फूलों को डालियों के नाम से जाना जाता है ल्यूकोसोलिनिया, साइकन या यूस्प्री जिया या यूप्लेकेटेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, जिसमें है यूप्लेकेटेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र कहलाते हैं, पहला ऑप्शन है ओस्टिया, दूसरा ऑप्शन है आस्कुलम, तीसरा ऑप्शन है रेडुला और चौथा ऑप्शन है असीलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का ओस्टिया। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है ओस्टिया, आस्कुलम, रेडुला या ट्रेकिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्कुलम, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिलेंटेट्रा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटोजोआ, पेरीफेरा या निडेरिया या एनिलिडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को निडेरिया, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, निम्न में से किस में रक्त नहीं ही होता है? तो रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा या कंगारू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हाइड्रा। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, सिलेंटेट्रा, अर्थोपोडा या पेरीफोरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेंटेट्रा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है कूटपाद, सीलिया, टेंटेकिल्स, फ्लेजिला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, टेंटेकिल्स। टेंटेकिल्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के बी सी नंबर ऑप्शन में है। प्रवाल क्या है? एक वान कोष्ठ, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक समुद्री जीव। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेली फिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा, फाइसेलिया, आरिलिया या मैट्रिडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, आरिलिया। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री एनिमेन के नाम से जाना जाता है हाइड्रा, फाइसेलिया या आरिलिया या मैट्रिडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का मैट्रिडियम, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है फाइलेसिया, हाइड्रा या आरिलिया या अविलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन, फाइसेलिया। फाइसेलिया जो है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। आम्रत्व का गुण पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में या केचुआ में या तिलचट्टा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा में। हाइड्रा में जो आम्रत्व का गुण पाया जाता है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। चिपटी कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पहला है प्लेटी हेलमिंथीज, दूसरा है निम्ने थिलमिंथीज, तीसरा है एनिलिडा और चौथा है मोलास्का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? एनिलिडा, एम्फीविया, मोलस्का या प्लेटी हेलमिंथीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, एनिलिडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, सी नंबर ऑप्शन, फीता कृमि। फीता कृमि जो है मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। मधुमक्खी, केचुआ और रेशम कीट ये तीनों उपयोगी हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के हाथ में पहुंचता है? बकरी, भेड़, गाय, सुअर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, सुअर। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एनिलिडा, निम्ने थेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज या आर्थोपोडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का निम्ने थेलमिंथीज, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पहला है टीनी आसिस, एस्केरियसिस, लीवर रॉट या निद्रा रोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एस्केरियसिस, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाइलीडिया नामक रोग उत्पन्न होता है एस्केरिसिस से, वुचेरिया या बेन क्राफ्टी से, या प्लाज्मोडियम से, या टीनिया सोलियम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को वुचेरिया बेन क्राफ्टी से, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशियों में, मनुष्य की देह की गुहा में, मनुष्य की रुधिर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का मनुष्य की आंत में, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेरिटीमा पोस्थुमा निमनाज में से किसका वैज्ञानिक नाम है? जोंक,
नेरिस केचुआ या फीताकर्मी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है, हीमोसाइनिन, होमाटीन या हीमोग्लोबिन या साइनिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का ए नंबर का ऑप्शन जो है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है उसी में जो है केचुआ का रक्त वर्णक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जमीन में छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ओटू की मात्रा बढ़ाता है, कीटनाशक का कार्य करता है, कवकनाशक का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ओटू की मात्रा बढ़ाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केचुए में कितनी आंखें होती है, एक, दो, बहुत या कोई नेत्र नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कोई नेत्र नहीं होता है केचुए में। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, हानिकारक कीटों को नष्ट कर, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर, ए और बी या भूमि को पोला करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, भूमि को बोला करके जो है वो किसानों को लाभ पहुंचाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, जूरी टांगे होती है, एक, दो, तीन या चार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर का ऑप्शन, तीन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंगज है, क्लोम, वातक, पुस्तक या फुसफस या फुसफस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का जो है बी नंबर ऑप्शन, वातक। वातक जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, पहला है रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी या लेडी बर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को घरेलू मक्खी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है, पौधे, तिलचट्टा, स्तनधारी या केचुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तनधारी, सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाह उत्पन्न होती है पैरों की छाल से, कीटों की मल पदार्थ से, कीटों के शरीर के श्रवण से, कीटों के अंडाशय से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कीटों के शरीर के श्रवण से। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम का उत्पादन किसमें होता है, रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट का प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को वो जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आप लोग को रेशम कीट के प्यूपा से। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, प्यूपा, यूमेंगा, मैंगोटो, भैक्स शिशु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंगोट, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, पैरों में, हाथ में, मुंह में या डंक में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को डंक में। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तितली की आंखों रात में क्यों चमकती है, विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टैप्टिम लूडनिस के कारण, कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तो कोई जो टैप्टिस लूडनिस के कारण जो होता है तो उसी के कारण जो है इसकी तितली की आंखें जो है रात में चमकती है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी, सैड फ्लाई या खटमल या जू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, सीसी मक्खी के कारण जो है हम लोग को निद्रा रोग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है, पीसू, जू, खटमल या सैंड फ्लाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सैंड फ्लाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, तीन जोड़ी पाद, दो जोड़ी एटीन, एक जोड़ी एंटीनी, चार जोड़ी पाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि तीन जोड़ी पाद। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग का वो कौन सा वाहक वेक्टर है, नर क्यूलेस, नर एनोफिलीज, मादा क्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मादा एनोफिलीज, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कटल फिश के नाम से जाना जाता है, लिलीगो, सीपिया, पायला या टेरिडो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को सीपिया, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकार्डो या मृदु कवची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मृदु कवची, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेविड फिश के नाम से जाना जाता है, पायला, सीपिया या टेरिडो या ऑक्टोपस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्टोपस, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है 4, 5 या 6 या 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा दोस्तों वो हो जाएगा 8, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनिडा और मोलस्का के बीच के योजक कड़ी है, नियोप्लीना, किंटोडर्मा, डेंटेलम या यूनियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को नियोप्लीना, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तारा मछली इनमें से किस संघ का प्राणी है, मोलस्का, मत्स्य, आर्थ्रोपोडा या इकाई नोमेटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, इकाई नोमेटा। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अरस्तु का लालटेन यानी एरिस्टोटल लैटर्न है एक स्वच्छ जलीय इकाई नोडर्न प्राणी, समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, समुद्री स्टार में परिवहन तंत्र की छन्नी डिम, ग्रीक देश का लालटेन समान रचना जो समुद्री लिली का शतुलाग होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तारा मछली के नाम से जाना जाता है, एस्टिडियस या होलोथुरिया या एंटीडॉन या समुद्री आर्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, एस्टिडियस। तो एस्टिडियस जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, नथुना, एस्पेरिकल, फेफड़ा या गिल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का गिल्स, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मछलियों के दिल की विशेषता है, इसमें केवल शुद्ध रक्त होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होता है, इसमें रक्त होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, समुद्री घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समुद्री घोड़ा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मछली नहीं है, स्टारफिश, सॉफिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, स्टारफिश। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, मत्स्य का, स्तनधारी का, सरीसृप का, मोलस्का का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मत्स्य का। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है, फ्लाइंग फिश, क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को फ्लाइंग फिश, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मीन है, क्रे फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को फ्लाइंग फिश, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, मछली की, वृक्ष की, सरीसृप की या पक्षी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मछली की, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे विषैली मछली है, पाषाण मछली, विद्युत मछली, आरा मछली या समुद्री घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाषाण मछली, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, हिल्सा, लेविया या गैम्बूसिया या मिस्टस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बताता हूँ, गैम्बूसिया, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप पर रह जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है, वे जल में नहीं चल पाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को, वे श्वास नहीं ले पाती है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, 100, 0, 200, 300। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को 0, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्फीबिया बनता है बहुत तेज चलने वाले नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केवल नर मेंढक टकराते हैं क्योंकि मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होता है। मादा मेंढक में सुविकसित वाक कोष होते हैं किंतु वाक रज्जु इनमें स्थित नहीं होते हैं। नर मेंढकों में वाक रज्जुओं के 3 युग्म होते हैं, अतः ये 3 गुण ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। नर मेंढक अपनी ध्वनि को सुविकसित वाक कोषों की सहायता से अवधारित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, मादा मेंढक में वाक कोष नहीं होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंढक का लाड़वा कहलाता है। मेंढक का जो लाड़वा होता है, पहला ऑप्शन में है प्यूपा, दूसरा ऑप्शन में मैगोट, तीसरा ऑप्शन में कैटरपिलर, चौथा ऑप्शन में टेडपोल। तो मेंढक का जो लाड़वा होता है वो टेडपोल कहलाता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नर मेंढक मादा मेंढक की तुलना से ऊंची आवाज लगाती है क्योंकि वाक कोष के कारण, बड़े आकार के कारण, बड़े ध्वनि बॉक्स के कारण इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वाक कोष के कारण, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शीत रक्तीय प्राणी है, मछली, मेंढक, छिपकली या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये सभी शीत रक्तीय प्राणी जो है ये सभी हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन पानी से आसानी से लेता है। ये त्वचा द्वारा शोषण लेता है। इसके पक्ष पादों में जाल होता है और जो तैरने में मदद करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं? पहला है रिजनरेशन, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है हाइबरनेशन, चौथा है एस्टिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हाइबरनेशन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस तापक्रम पर किसी वस्तु की प्रसुपति को कहते हैं? रिजनरेशन, म्यूटेशन या हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निरसंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, वेल या ओटर या केचुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कछुआ, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? पहला है मनुष्य, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बैल, चौथा है घड़ियाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि घड़ियाल, डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांपों के विष ग्रंथियों किसके संदर्शित होती है? मछलियों के वैद्युत अंग, किरणों के पुंज, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां, कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे विषैली सर्प है मुस सर्प, पायथन, करेत या वृक्षीय सर्प। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा करेत, सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? करेत, पायथन, समुद्री सर्प या वाइपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायथन, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, करेत या सोक स्केल्ड वाइपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है वो किंग कोबरा है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या भेड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, भेड़। पहला क्लोन पशु जो है डॉली वो भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इसके किस प्रकार से मदद मिलती है? परभक्षियों के विरुद्ध बचाव, जीवों के सीमित रखने का उपाय, जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, खाद की कमी की समस्या से निपटारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायनासोर थे सरीसृपनोजोइक, सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पोलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मेसोजोइक सरीसृप, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषैली छिपकली है,
ग्रीसिली छिपकली है कैमिलीमन, एसिस्ट्रोडन, हीलोडर्मा या वेरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलोडर्मा, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उरन छिपकली है डैक्रो गैको हीलोडर्मा वेरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ड्रैको, ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ड्रैको जो होता है ये उड़ने वाली छिपकली होती है। निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, हीमोग्लोबिन, वर्ण किलबक, क्लोरोफिल या वातरंध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को वर्ण किलबिक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुद्री सर्प को कहा जाता है कटल फिश या आप लोग को डेविल फिश या हाइड्रोफिश या सिल्वर फिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हाइड्रोफिश, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं जीभ से, मुंह से, त्वचा से या पैर से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, कर्ण यानी कि सर्प के मध्य में जो है कर्ण नहीं होता है, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, कान कर्ण जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग। तो ये जो ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की हड्डियां होती है ठोस, मजबूत और ठोस और वातिल और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को वातिल, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर जे सी बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को डॉक्टर सलीम अली। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है ईमू, शुतुरमुर्ग, अल्बाट्रस या साइबेरियन साइरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, हम मैं आप लोग को बताता हूँ, शुतुरमुर्ग, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विशालतम जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी है कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को गुंजन पक्षी, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं। सावधिनी किसमें वाक्यंत्र है, सावधिनी किसमें वाक्यंत्र है, उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में या अस्तनी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उभयचर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रास, कीवी या पेंगुइन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, कीवी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियोपोटेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप, टाइएसिक काल का सरीसृप, टाइएसिड तथा जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग का जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका में। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है वो है पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग या एमू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है ऑर्कियोपोटेरिक्स, डोडो, कीवी या पेलिकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ऑर्कियोपोटेरिक्स, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑर्कियोपोटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है, सरीसृप और स्तनधारी के, पक्षी और स्तनियों के, सरीसृप और पक्षियों के, उभयचर और सरीसृप के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरीसृप और पक्षियों के। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तोता, कबूतर या कोयल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तो हम लोग को पता ही है, ए नंबर ऑप्शन होगा, मोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावो क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ का, मेंढक का या केदे गुहा में या मोर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मोर का। तो पावो क्रिस्टस जो होता है वो किसका जो है आप लोग को रासायनिक नाम है, तो मोर का रासायनिक नाम है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पक्षी के दांत थे, शुतुरमुर्ग के, ऑर्कियोपोटेरिक्स के, पेंगुइन के या तोता के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का ऑर्कियोपोटेरिक्स के। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पक्षी के दांत होते हैं? शुतुरमुर्ग, ऑर्कियोपेटेरिक्स या पेंगुइन या तोता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ऑर्कियोपेटेरिक्स। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोवोक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम था? बाघ का, मेढक का, मोर का? तो ये तो डी नंबर मोर है, तो डी नंबर इसका होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ए नंबर। ये सब मैंने कवर करा दिया था। ऑर्कियोपेटेरिक्स के बीच का खड़ी सिर्फ। चलिए आते हैं हम लोग वह एकमात्र जो पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, गोरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, गुंजन पक्षी। वही एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? मुख पर चूसक, उंगलियों पर नखर, उंगलियों पर चिपकने वाला लेमलियुक्त गद्दियाँ, प्राणी की चिपकने वाली उधर सतह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का उंगलियों पर चिपकाने वाली लेमलियुक्त गद्दियाँ, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है? तो सेंट पाइपर, एमू, शुतुरमुर्ग या कीवी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो है आप लोग का शुतुरमुर्ग। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है? स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, चार कोष्ठीय दिल, ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन। स्तनधारी वर्ग का जो विशिष्ट लक्षण होता है स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, चार कोष्ठीय दिल। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलबर क्या होता है? तो रबर के पौधे से निकलने वाला दुधिया स्राव, सघन वसा की परत, किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों की फंसाने की युक्ति, चावल के पौधों का फंगल संक्रमण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सघन वसा की परत। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मछली, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। मछली जो स्तनधारी नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ मनुष्य और व्हेल स्तनधारी प्राणी है, दिमाग में याद रखिएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बताता हूँ सरी स्तनी में। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें फेफड़े चार, विषमय दिल व कशेरुक दंड होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व वाल होते हैं, क्लोम और जरायुज व होते हैं, चार विषमय दिल और फेफड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व वाल होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल या डायनासोर या गेंडा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को जो व्हेल। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो विशालतम स्तनधारी जो है व्हेल है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है गाय, मयूर, सिंह या बाघ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का बाघ। डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, 4 जो होते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रक विहीन आरबीसी किस में होता है? सरीसृप में, पक्षी में, एम्फीबिया में या स्तनी में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, स्तनी में। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 1? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, 4, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? लेमूर का, आधुनिक मानव का, उपमानव का, इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को आधुनिक मानव, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, टैप्टिम लुसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण, अस्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, टैप्डिम लुसिडम के कारण। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लक्षण निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा में, चमगादड़ में, बिल्ली में या खरगोश में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चमगादड़ में। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसमें मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रावायलेट तरंगे, ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक तरंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव का जैविक नाम है होमो इरेक्ट, होमो नियनडरथेलिस, होमो वेबिलस, होमो सेपियंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, होमो सेपियंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कुत्ता। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होता है CO2 खनिज लवण था ग्लूकोज, खनिज लवण यूरिया था ग्लूकोज, खनिज लवण ग्लूकोज था और ऑक्सीजन CO2 ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खनिज लवण ग्लूकोज और ऑक्सीजन, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंडजस्तनी है, कंगारू, मैनोट्रिम, चमगादड़ या वेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैनोट्रिम, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, चमगादड़, वर्निल चिटिकोर, वेल, कंटीला चिटिकोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कंटीला चिटिकोर, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से नियतात प्राणी कौन सा है, सार्क, सांप, चमगादड़, छिपकली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चमगादड़, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, छुछुंदर, कंटक चूहा, सेई या ऑपोसम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटक चूहा, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तन साहिपी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम में पाए जाते हैं, अक्षर पाष्प, गद पाष्प, यूरिक अम्ल या अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिक अम्ल, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नियताती प्राणी है, वेल, वेल शार्क, एलआईटी, ड्रैको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, हम लोग बताता हूँ, वेल, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली, कबूतर, मेंढक या तिलचट्टा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कबूतर, तो बी नंबर जो है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है, मछली, कबूतर, मेंढक, तिलचट्टा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबूतर, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली, कबूतर, मेंढक, तिलचट्टा। तो इसमें मुझे डाउट है दोस्तों क्योंकि मेंढक भी ये सांस लेता है, तो वो मेंढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक जो होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो बी नंबर नहीं होगा। तो निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, स्पाइडर बंदर, बैबून, गोरिल्ला, हाउलडर बंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बैबून। बैबून जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्पाइडर बंदर होगा, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, बैबून होगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनित्यत प्राणी कौन है, वे प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते हैं, वे जिनका शारीरिक तापमान स्थिर रहता है, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरित ग्रंथियां संबंधित है जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हरित ग्रंथियां जो है उत्सर्जन से संबंधित है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है, तो कुकट में, शुतुरमुर्ग में, बतख में, तो मोर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, शुतुरमुर्ग में। कुटक जो है किसमें नहीं पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डायनोसोरस थे अस्थाई जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने पोटामस जाति जो जन्म दिया, अंडा देने वाला स्तनपाई सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरीसृप जो लुप्त हो गए, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है, फाइब्रोनोजेन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन या ग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को
हेपेरिन, हेपेरिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्कियोपेटेरिक किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरीसृप व पक्षी। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हाइला, हेलियोटिस, हाइड्रा या खरगोश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हेलियोटिस, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते के, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, हाथी का। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कीटों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सांपों द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोन फिश, व्हेल, शार्क, मार्लिन या हिल्सा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को मैं बता, एक सेकेंड पिछले वाले का मैंने, फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोन फिश, व्हेल, शार्क, मार्लिन या हिल्सा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्राइमेटा में से आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? औरंग भूटान, गोरिल्ला, गिबन या लंगूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरिल्ला। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मकड़ी। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांडा भी उसी कुल का है जिसका डैश है, भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भालू। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से या फेफड़ों से या वातक तंत्र से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोम से, तो वातक तंत्र से। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।